कांसीराम जी ने साइकिल से पूरे समाज को जोड़ दिया, लेकिन आज लग्जरी गाड़ी होने के बावजूद भी बहुजन समाज को लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जो हमारे माननीय कांसीराम साहब थे वो एक जमीनी नेता थे। आजकल जो हमारे लोग हैं उस जमीन से नहीं जुड़ रहे हैं, वो लग्जरी कार गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, वो हवा हवाई में चल रहे हैं। लेकिन आज हमें नीचे जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब इनकी सरकारी नौकरी थी, इन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद इस समाज के लिए, इन दलितों के लिए इतना अच्छा काम किया, हमारे लिए बोल जो हम गूंगे बहरे थे हमें बोलने का अधिकार दिलाया इन्होंने, क्योंकि हम बहरे भी थे और अंधे भी थे और गूंगे भी थे, और जो हमें ला के यहाँ खड़ा कर दिया है इस प्लेटफॉर्म पे कि हम सांसद के अंदर हमारी सरकार बनती। लेकिन क्या करोगे, मोदी ने EVM हैक करवा के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि कैप्चर ऑफ द पार्लियामेंट, कैप्चर कर लो ताकि हमारे जो सांसद बने, ताकि दलितों की आवाज़ हमारी सांसद के अंदर उठाई जाए, क्योंकि दलितों की आवाज़ दलित ही उठा सकता है। जो गरीब होता है गरीबों की ही आवाज़ आदमी सुनता है, लेकिन जो भी सरकारें रहीं वो सरकार हमेशा दलितों के पक्ष में नहीं रहीं, क्योंकि जो जब से हमारी पार्टी बनी है हमेशा दलितों की लड़ाई लड़ रही। बहन कुमारी मायावती जी चाचा भाव उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ी और दलितों के लिए काम करा, हम भी लड़ रहे हैं। जो हमारा समाज आज जागृत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसी के कारण। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।